गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. थॉट ऑफ द डे, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन. यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलाओ खुद को. आई रिपीट अगेन, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन. यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलाओ खुद को. ये APJ अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने कहा है कि पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिले, तो पहले उसके लिए मेहनत करिए, तब आपको सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, रूल्स मीन्स नियम. तो सुरक्षा के नियमों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. चैप्टर 7 लर्निंग चेकलिस्ट, सेफ्टी रूल्स एट होम, इन स्कूल, इन द प्लेग्राउंड, ऑन द रोड, इन व्हीकल्स एंड इन द स्विमिंग पूल. आज इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेफ्टी रूल्स एट होम. मतलब घर में रहते हैं तो घर में कैसे अपनी सुरक्षा हम लोग कर सकते हैं, स्कूल में, प्लेग्राउंड खेल के मैदान में, रोड पर, व्हीकल्स में, इस वाहनों में जैसे कि बस, कार, इन सब में, और स्विमिंग पूल में. सेफ्टी मीन्स क्या होता है, जो अपनी सुरक्षा हम लोग स्वयं कर सकते हैं उसे सेफ्टी कहते हैं. मतलब खुद की सुरक्षा करना. इस चैप्टर में आज चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, तो आज चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में इसकी एक्सरसाइज में सॉल्व कराएंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस. व्हाट आर द ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन द रोड कॉल्ड. जो आपको ये ब्लैक एंड वाइट की जो पट्टियाँ दिख रही हैं, स्ट्रिप्स में होता है धारियाँ, जो आपको धारियाँ दिख रही हैं पट्टियाँ, इसको क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग. इसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. इज द गर्ल फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स. क्या ये जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रही है. यस. एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस. ते में कस इंजरी एंड पेन. ऑल ऑफ अस नीड टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स दैट कैन सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम एंड एनी एट एनी प्लेस. एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना कहीं पर भी और किसी भी समय पे हो सकती है. मतलब उसका कोई जगह फिक्स नहीं होता है. अगर हम लोग ज़रा सा भी लापरवाही करेंगे तो एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकता है. दे मेक अस इंजरी एंड पेन. और उसके बाद क्या होगा, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको इंजरी, उसको चोट लग जाती है. उसको इंजरी मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंजरी, चोट. और पेन मीन्स दर्द. उसको दर्द होता है और चोट लग जाती है. ऑल ऑफ अस नीड टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स डैट कैन सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स. अगर हम लोग सेफ्टी रूल्स जो भी बनाए गए सुरक्षा के नियम, अगर हम लोग उसको फॉलो करें तो हम लोग दुर्घटनाओं से बच सकते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट द वेरियस सेफ्टी रूल्स डैट वी मस्ट फॉलो एट डिफरेंट प्लेसेस. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. मतलब अलग अलग जगहों पे कैसे हम लोग उसकी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं. एट होम, घर में. लेट अस लर्न हाउ टू बी सेफ एट होम. हम लोग अपने आप को घर पे सेफ कैसे रख सकते हैं. स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स, गैस स्टोव्स, टोस्टर्स, आयरन बॉक्सेस, इलेक्ट्रिक फैंस,
When they are switched on, you may get an electric shock from these. Stay away from electrical wirings, means जो जितने भी ये electrical चीज़ें होती हैं, जैसे कि electrical wires, तार जो होता है, gas stove, जहाँ जिस पे आप लोगों की मदर कुकिंग करती हैं, गैस जिसे बोलते हैं, टोस्टर्स एंड आयरन बॉक्स जो लोहे के बॉक्सेस होते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल फ़ैन जो पंखा घर में चलता है, स्विच जो स्विच बोर्ड होता है जिसमें स्विच होती हैं, उसको हम लोग अगर हम लोग टच करेंगे या छुएंगे, उससे छिड़खानी करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके लग सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी घर के तार को, गैस स्टोव को, और जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें जितनी भी होती हैं, कभी भी उसे टच नहीं करना चाहिए। और अगर आप लोगों को ऑन भी करना है स्विच, तो स्लीपर पहन कर आप लोग करिए। डू नॉट प्ले विथ मैचेस और कैंडल्स एज दे मे कस बर्न्स। डू नॉट प्ले, कभी भी अभी कभी मतलब जो मैचेस्टिक होती है, माचिस जिसे बोलते हैं, कैंडल्स, मोमबत्ती, इन सब को कभी भी इन सबसे खेल नहीं करना चाहिए, इन सबसे प्ले नहीं करना चाहिए, वरना आग लग सकती है, आप लोग जल भी सकते हैं। डू नॉट लीव सोप ऑन द फ्लोर ऑफ द बाथरूम, यू मे स्लिप एंड फॉल। साबुन को कभी भी ऐसे ही फर्श पे बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए, वरना क्या होगा, आप लोग स्लिप हो जाओगे और गिर जाओगे, आप लोगों को चोट लग जाएगी फिर। नेवर हैव मेडिसिन अनलेस प्रिस्क्रिप्टेड बाय अ डॉक्टर, मीन्स बिना डॉक्टर के परमिशन के आप लोग जो है ऐसे कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। डू नॉट टीज और इरिटेट पेट्स और स्ट्रिट एनिमल्स, दे मे बाइट यू। टीस मीन्स छेड़ना होता है या परेशान करना, मतलब जो पेट्स होते हैं हमारे, जैसे कि जो गली के कुत्ते होते हैं, जानवर होते हैं, और घर में कुछ लोग पाल रखते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, कुछ लोग रैबिट्स भी पालते हैं, तो इन सबको परेशान नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, ये आप लोगों को काट भी सकते हैं। अवॉइड टचिंग पॉइंटेड और शार्प इजेक्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक निडल्स, नाइफ्स, ब्लेड्स एक्सेट्रा, दीज ऑब्जेक्ट्स मे कट यू एंड लीड टू इंजरी। मीन्स कभी भी हम लोगों को शार्प चीज़ें जो जितनी भी होती है नुकीली चीज़ें, उसको उससे खेलना नहीं चाहिए, उसे टच नहीं करना चाहिए, जैसे निडल, सुई जो होती है, नाइफ्स मीन्स चाकू, ब्लेड, इन सबको नहीं छूना चाहिए। अगर इन सबसे आप लोग प्ले करेंगे, खेलेंगे, तो आप लोगों को चोट लग जाएगी। लुक एट दिस पिक्चर, देखिए क्या कर रहा है, स्विच को ऑन करा डायरेक्ट, तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। ऐसे वॉशरूम में, बाथरूम में, ऐसे सोप को फर्श पे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, वरना आप स्लिप खा के गिर भी सकते हैं। ये डॉग को टीज करेंगे तो क्या होगा, वो आप लोगों को काट सकता है। ये शार्प चीज़ें, नुकीली चीज़ों से भी प्ले नहीं करना चाहिए। इन स्कूल, ये तो हुआ आपका होम, मींस घर में क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो चीज़ें हैं। अब देखते हैं स्कूल में, स्कूल में सेफ्टी कैसे रखना चाहिए। डू नॉट शार्पन द पेंसिल विथ अ नाइफ और ब्लेड। पेंसिल को नाइफ मीन्स चाकू और ब्लेड से शार्प नहीं करना चाहिए, उसे शार्पनर से ही शार्प करना चाहिए। नेवर रन विथ योर स्कूल बैग्स, स्कूल बैग मतलब कैरी आप लोग किए रहते, टांगे रहते, तो कभी भी उससे दौड़ना नहीं चाहिए स्कूल बैग लेके, क्योंकि स्कूल बैग आपका कैसा होता है, हैवी होता है, और आप लोग गिर भी सकते हैं। यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट, मीन्स आप लोग गिर भी सकते हैं और आप लोगों को चोट भी बहुत ज़्यादा लग सकती है। नेवर जम्प ऑन द डेस्क
inside the classroom. Never jump on the desks. इनसाइड द क्लासरूम मीन्स कभी भी क्लासरूम में जो डेस्क होती है उस पर दौड़ना नहीं चाहिए, कूदना नहीं चाहिए. एक तो आप लोग को चोट भी लग सकती है, दूसरा आपके स्कूल की जो डेस्क है वो भी टूट सकती है. डू नॉट कीप योर हैंड क्लोज टू द फ्रेम ऑफ द विंडो. द विंडो में बैंक सेट एंड हर्ट यू. Do not keep your hand close to the frame of the window. Means जो आप लोगों की window means खिड़कियाँ, खिड़की जो होती है उसके side में कभी भी hand नहीं लगाना चाहिए, वरना क्या होगा, आप लोगों को चोट लग जाएगी. Do not run on द रोड. कभी भी सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए, डेस्क पर ऐसे जंप नहीं करना चाहिए. एंड होल्ड द रेलिंग्स विल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स. नेवर रन ऑन द स्टेयर्स मीन्स ये सीढ़ी पे, स्टेयर्स मीन्स होता है सीढ़ी, सीढ़ियाँ जो है इस पर कभी भी रन करते हुए ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, आराम से चलना चाहिए, वरना आप लोग गिर जाओगे. मीन्स क्लास में क्या क्या होता है, पेंसिल को शार्प चीज़ों से मीन्स नाइफ या ब्लेड से नहीं शार्प करना चाहिए, किससे करें, शार्पनर से. स्कूल बैग लेके आप लोगों को नहीं रन करना चाहिए. एंड डेस्क पे इधर उधर जंप नहीं करना चाहिए और ना ही स्टेयर पे ऊपर नीचे करना चाहिए सीढ़ियों पे. इन द प्लेग्राउंड खेल के मैदान में प्ले अ सेफ गेम. सेफ में सुरक्षित गेम, हमेशा हमें सुरक्षित गेम को खेलना चाहिए. कीप अवे फ्रॉम थ्रोनी प्लांट्स एंड बारबेड वायर्स मीन्स जो प्लांट होते हैं, जो कटीलेदार पौधे होते हैं जैसे रोज प्लांट हो गया, इन सबको हमें टच नहीं करना चाहिए वरना हमारे हाथों में उसके कांटे लग सकते हैं. डू नॉट पुश योर फ्रेंड्स और फाइट विथ देम. अपने फ्रेंड को पुश मीन्स धक्का देना, अपने फ्रेंड को कभी भी धक्का नहीं देते हैं और ना ही उनसे फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं. डिवाइस एंड रिकॉल राइट यस और नो. शुड यू अवॉइड प्लेइंग विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स. आप लोगों को किसको शार्प चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उससे प्ले नहीं करना चाहिए. यस. Should you light matchsticks? Matchsticks को जलाना चाहिए. Yes or no? Should you push or pull your classmates? Classmates means होता है सहपाठी, जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स, उनको क्लासमेट्स बोलते हैं. उनको इधर अपने तरफ खींचना चाहिए और धक्का देना चाहिए. Yes or no? ये आप थिंकिंग करके इसको फील करेंगे. ऑन द रोड सड़क पर, रोड में सड़क, सड़क पर रोड एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. ड्राइवर्स ड्राइव केयरलेसली और फास्ट, वेरी फास्ट. वी डू नॉट वॉक केयरफुली मीन्स रोड पर एक्सीडेंट कैसे होते हैं, पीपल डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. ट्रैफिक रूल्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे तब एक्सीडेंट हो सकता है. ड्राइवर्स ड्राइव केयरलेसली और वेरी फास्ट. ड्राइवर जो है अगर वो सावधानी पूर्वक गाड़ी नहीं चलाते हैं या बहुत तेज चलाते हैं तब एक्सीडेंट हो सकता है. वी डू नॉट वॉक केयरफुली और अगर हम लोग केयरफुल होके सड़क पर ना चलें तो भी जो एक्सीडेंट होते हैं. डोस डोंट्स मीन्स इसका मतलब क्या होता है. डोस बी अलर्ट एंड केयरफुल ऑन द रोड मतलब रोड पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. बी अलर्ट एंड केयरफुल ऑन द रोड सड़क पे हम लोगों को अलर्ट होके मतलब अच्छे से इधर दोनों साइड देखते हुए और सावधानी पूर्वक सड़क पर चलना चाहिए.
वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ, हमेशा हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। इफ देयर इज नो फुटपाथ वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ट्रैफिक, मीन्स हमेशा राइट साइड को देखते हुए ही जो है हमें चलना चाहिए रोड पर। नेवर प्ले और रन ऑन द रोड, कभी भी सड़क पर प्ले ना तो प्ले करना चाहिए, खेलना चाहिए और ना ही दौड़ना चाहिए। डू नॉट गो नियर स्ट्रीट डॉग्स और अदर स्ट्रे एनिमल्स, जो गली के डॉग्स होते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उन्हें परेशान करना चाहिए। नेवर वॉक ऑन द रेलवे ट्रैक्स और सड़क की, रेलवे ट्रैक मीन्स जो रेल की पटरियां होती हैं उनके बीच में नहीं चलना चाहिए, कभी भी पैर फंस सकता है आपका। कहने का मतलब है कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक रूल्स क्या होता है? ट्रैफिक रूल्स आप लोग देखे होंगे, जहाँ पे भी सिग्नल होता है, जैसे कि ये ग्रीन, रेड, ग्रीन और येलो, थ्री लाइट होती है ट्रैफिक लाइट में, थ्री लाइट होती है, कौन कौन सी? रेड, येलो एंड ग्रीन। येलो मीन्स स्टॉप, सॉरी, रेड मीन्स स्टॉप, रुक जाना, येलो मीन्स रेडी एंड ग्रीन मीन्स गो, चलना। तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स विल क्रॉसिंग द रोड, अब जो है रोड को कैसे क्रॉस करते हैं, उसके सुरक्षा के नियम क्या हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं। बिफोर क्रॉसिंग लुक टू योर राइट, वेन टू योर लेफ्ट एंड वंस अगेन टू योर राइट, मीन्स रोड को क्रॉस करने मतलब इधर से इस पार से उस पार जाने के लिए पहले लुक टू योर राइट, पहले हम लोग दाएँ देखेंगे, वेन टू योर लेफ्ट फिर बाएँ देखेंगे एंड फिर एक बार वंस योर राइट फिर दाएँ देखेंगे। मेक श्योर डैट नो व्हीकल्स इज कमिंग क्लोज, मतलब आप लोग कोई भी व्हीकल्स आपके पास नहीं आ रहा है। इफ़ द रोड इज़ क्लियर, रोड मतलब साफ है, कोई भी व्हीकल्स नहीं दिख रहे हैं तो क्रॉस द रोड, तब आप जो है क्रॉस रोड को क्रॉस करेंगे, पार करेंगे। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली, जब भी हम लोग रोड को क्रॉस करें तो जेब्रा क्रॉसिंग जो वाइट और रेड की पट्टियाँ होती हैं उसी पर हमें पार करना चाहिए। देयर आर ट्रैफिक लाइट्स फॉर पीपल टू यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग, जितने भी लोग ट्रैफिक लाइट्स होते हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग को क्या करते हैं, उसको देखते हुए ही पार करते हैं, जो जा रहा है तो वो लोग रुक जाते हैं। दीज आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियन लाइट्स, मीन्स क्या होता है, यहाँ पे कहीं कहीं लाइट्स में ऐसे दिखा रहता है तो उसको पैदल यात्री मतलब जो पेडेस्ट्रियन मीन्स क्या होता है, जो पैदल यात्री होते हैं उनको कहा जाता है। जब वो जाते हैं तो वो लाइट ऑन हो जाती है तो लोग पार कर लेते हैं, गाड़ियाँ अपने आप अगल बगल रुक जाती हैं। डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज रेड, जब लोग रोड को क्रॉस करते हैं तो वो रेड हो जाती है। क्रॉस द रोड व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज ग्रीन, जब रोड को जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं वो पार कर लेते हैं तो वो ग्रीन हो जाती है। रेड लाइट इंडिकेट स्टॉप एंड ग्रीन लाइट इंडिकेट गो, रेड लाइट क्या इंडिकेट करती है, क्या संकेत करती है, स्टॉप, स्टॉप मीन्स रुक जाना, और ग्रीन लाइट गो मीन्स जाना। इन व्हीकल्स, अब वाहनों में कैसे हमें अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। स्टैंड इन अ क्वी वेटिंग फॉर और बोर्डिंग द बस, मीन्स बस में जब हम लोग, जैसे कभी क्या होता है कुछ बच्चे धक्का मुक्की करते हुए चढ़ते चले जाते हैं, नहीं, अपने टर्न का वेट करना चाहिए, जब हमारा टर्न है तब हमें चढ़ना चाहिए वरना चोट लग सकती है। कि स्टे सीटेड विल द बस इज मूविंग, जब बस चलना स्टार्ट हो जाए तो हमें अपनी सीट पर ही बैठना चाहिए, इधर उधर मूव नहीं करना चाहिए। टॉक सॉफ्टली
so that the bus driver can concentrate on driving. जब हम लोग बस में बैठते हैं और बस चलती है तो हम लोगों को बिल्कुल सॉफ्टली टॉक करना चाहिए, बिल्कुल स्लो मोशन स्लोली बात करनी चाहिए, धीरे बात करनी चाहिए, ताकि जो बस ड्राइवर होते हैं वो अपना कॉन्सेंट्रेट ड्राइविंग पे कर सके, गाड़ी चलाने पे कर सके. अगर आप लोग शोर करोगे तो वो डिस्टर्ब होंगे और फिर बस का एक्सीडेंट भी हो सकता है. इसलिए हम लोगों को बस में चिल्लाना नहीं चाहिए, सॉफ्टली टॉक करनी चाहिए. डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस. बस के बाहर कभी भी अपना हैंड फेस ये सब नहीं निकालना चाहिए. ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार, स्पेशली इफ़ यू आर सीटिंग ऑन द फ्रंट सीट. अगर आप लोग कार में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप लोग को सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए, खासकर तब जब आप लोग फ्रंट सीट पर हो, आगे वाली सीट पर बैठे हों. इन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में स्विम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. स्विमिंग पूल किसके लिए होता है? जो एडल्ट होते हैं, जो जानकार होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके लिए होता है. यूज़ फ्लोट्स और रबर ट्यूब्स इफ़ यू आर लर्निंग हाउ टू स्विम. अगर आप लोगों को स्विमिंग सीखना भी है तो जो रबर ट्यूब होते हैं उसको पहन कर ही स्विमिंग करना चाहिए. नेवर गो टू द डीप एंड एंड ऑफ अ पूल. पूल की गहराई में जहाँ पर ज़्यादा गहरा होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए. डू नॉट स्विम इन ट्रंक्स, टैंक्स और पॉन्ड्स, इट इज़ नॉट सेफ. जहाँ पर टैंक्स होते हैं या पॉन्ड मीन्स तालाब होते हैं वहाँ पर स्विम नहीं करना चाहिए, स्विमिंग नहीं करना चाहिए. इट इज़ नॉट सेफ, वो सेफ या सुरक्षित नहीं रहता है. लेट्स से टुगेदर, मतलब इस चैप्टर में आप लोग कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं? एक्सीडेंट्स, इंजरी, ट्रैफिक रूल्स, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग एंड पेडेस्ट्रियन लाइट्स. एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, इंजरी चोट, ट्रैफिक लाइट्स जो उसके रूल्स होते हैं सड़क के, ट्रैफिक लाइट्स के जो नियम होते हैं, फुटपाथ पैदल यात्रा जो करते हैं जहाँ पर पैदल चला जाता है जेब्रा क्रॉसिंग एंड पेडेस्ट्रियन लाइट्स मीन्स पैदल यात्री. इसके बारे में आप लोग पढ़े हो, लाइट जब आप लोग पार करोगे तो लाइट कैसी हो जाएगी? रेड. और जब पार कर लोगे तो ग्रीन. कीवर्ड्स, सेफ्टी रूल्स, मेजर्स that are taken to stay away from harm, zebra crossing, black and white strips painted on the road for safe crossing, pedestrians, people walking on the road, barbed wire, strong wire with short sharp pointed points on it. Chapter of the summary: सेफ्टी रूल्स सेव अस फ्रॉम एक्सीडेंट्स. जो सुरक्षा के नियम बनाए गए हैं वो हमें किससे बचाते हैं? एक्सीडेंट से, दुर्घटना से. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, इन स्कूल, इन द प्लेग्राउंड, ऑन द रोड, इन अ व्हीकल एंड इन द स्विमिंग पूल. सेफ्टी रूल्स हमें कहाँ कहाँ पे जो है फॉलो करना चाहिए? घर पर, स्कूल में, प्लेग्राउंड, रोड, वाहन और स्विमिंग पूल. कहने का मतलब हर जगह हम लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वर्क करना चाहिए. वी शुड नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स एंड शार्प थिंग्स. हम सबको मैच स्टिक्स मीन्स माचिस की तीली, तीलियां और शार्प जो नुकीली चीज़ें होती हैं उससे नहीं खेलना चाहिए. We should swim in the presence of an adult. जब भी जो है हम लोग स्विमिंग पूल में जाएं, तो जब कोई हमसे बड़ा वहाँ उपस्थित हो तभी हमें स्विमिंग करना चाहिए. In case you are hurt, immediately
इन्फॉर्म एन एडल्ट मीन्स जब कभी भी हम लोगों को चोट अचानक से लग जाती है तो हमें अपने से बड़ों को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया, अच्छे से रीड कर लीजिएगा और वर्ड मीनिंग की कॉपी में आप लोगों को मेंशन राइट करना है। सेफ्टी रूल्स लेसन 7 वर्ड लेसन इंग्लिश मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग। सेफ्टी प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा। रूल्स प्रिस्क्रिप्शन नियम। एक्सीडेंट दुर्घटना। इंजरी डैमेज चोट। पेन डिस्ट्रैक्ट पीड़ा दर्द मतलब जो दर्द होता है पेन होता है। कॉज रीजन कारण या वजह। प्रिस्क्राइब सर्टेन निर्धारित। टीज मीन्स हफ चिढ़ाना। स्टेयर साइड स्टेप सीढ़ी। बर्ब्ड कटीला। अलर्ट वार्निंग चेतावनी। पेडेस्ट्रियन फुट पैसेंजर पैदल यात्री। प्रोजेक्ट वर्क आफ्टर राइट वर्ड मीनिंग यू मेक प्रोजेक्ट। ड्रॉ अ रोड विद अ जेब्रा क्रॉसिंग एंड द ट्रैफिक लाइट्स ऑन अ चार्ट पेपर। कलर इट एंड सोन इट इन योर रूम। आप लोगों को एक रोड बनानी है, सड़क बनानी है, इसके साथ जेब्रा क्रॉसिंग के साथ और ट्रैफिक लाइट्स भी उस चार्ट पेपर में बनाना है, कलर करना है और उस लाइट के नेम मेंशन करना है और इसे अपने रूम में लगाना है और इसकी पिक आप लोग ग्रुप में सेंड भी करेंगे। इट्स योर प्रोजेक्ट वर्क। नेक्स्ट चैप्टर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करा के फिर मैं एक बार बताऊंगी, तक आप लोग प्रोजेक्ट वर्क और वर्ड मीनिंग राइट कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। देखते हैं सबसे अच्छा प्रोजेक्ट वर्क किसका रहता है। ओके, थैंक यू।